हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? बढ़िया। तो बच्चों, हमारा कंपनीज एक्ट चल रहा है। कंपनीज एक्ट हम पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट चैप्टर में हमने अभी तक कंपनी के डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स, इसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट हमने पढ़ लिया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हम पढ़ चुके हैं, और लास्ट क्लास में टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में हमने शुरू किया था। और टाइप ऑफ कंपनीज में तीन टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में हमने पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। तो चार क्लास हमारी हो चुकी है और चारों क्लासेस यूट्यूब पर बेटा अपलोडेड है। तो जो भी स्टूडेंट्स से फिफ्थ क्लास वॉच कर रहे हैं बेटा, वो पहले वाले चार भी जरूर देखे, बिकॉज कनेक्टिविटी रहेगी, फ्लो रहेगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है होल्डिंग सब्सिडरी डेफिनेशन। अभी टाइप ऑफ कंपनीज ही कॉन्टिन्यू है। हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा, देन पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा, देन ओपीसी के बारे में पढ़ा। आज हम होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा स्मॉल कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी टाइप ऑफ कंपनीज जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। और सबसे अगर मैं बात करूँ, सबसे अगर टाइप ऑफ कंपनीज में ऐसी कोई डेफिनेशन जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और सबसे ज़्यादा एनालिसिस और टेक्निकल जो डेफिनेशन है, वो होल्डिंग सब्सिडरी। इस पे काफी टाइम डिवोट होगा बेटा, सारे इफ एंड बट हम आज इस पे कंप्लीट करेंगे। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, आपने सुना होगा, एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कब दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग एंड सब्सिडरीज का रिलेशन आएगा। तो हमारा यही आज टॉपिक है। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी डेफिनेशन, सब्सिडरी कंपनी डेफिनेशन। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 46 में होल्डिंग कंपनी। सो इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। यार होल्डिंग कंपनी वो होती है, मीन्स ए कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। बहुत बढ़िया डेफिनेशन। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी अदर कंपनीज क्या हो, सब्सिडरी कंपनी हो। होल्डिंग कंपनी वो जिसकी नीचे कोई सब्सिडरी कंपनी हो। तो ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई ना, होल्डिंग कंपनी वो जिसके नीचे कोई जिसकी अदर कंपनी सब्सिडरी होती है। अब सब्सिडरी की डेफिनेशन लिखते हैं, सब्सिडरी कंपनी वो जिसके ऊपर होल्डिंग कंपनी होती है। फिर काहे, ये तो फिर डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं होगी। तो होल्डिंग कंपनी ने बोला, होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी सच कंपनीज क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। अदर कंपनीज सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। बट सब्सिडरी कंपनी ने बता दिया कि सब्सिडरी कंपनी कब माना जाएगा किसी एक होल्डिंग कंपनी की। तो सब्सिडरी कंपनी अब हमें पूरा कंप्लीट टॉपिक समझाएगी, कब एक कंपनी मानी जाती है सब्सिडरी कंपनी, कब उसकी दूसरी कंपनी मानी जाएगी होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन में जो हमारे लिए मेन जो है, इंपॉर्टेंट जो है, वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी में तो कुछ बताया नहीं, होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी सच अदर कंपनीज क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। अब सब्सिडरी कंपनी देखिए, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। अरे सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी इस दो पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर को सेटअप फुलफिल कर दे, बिकॉज यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, और। तो अगर एक सब्सिडरी कंपनी के ऊपर ये दो पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर अगर फुलफिल कर दे कोई कंपनी, तो उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। और यहाँ पर बोला गया है कि मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का मतलब एक वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी दोनों में से कोई एक पैरामीटर सेटअप कर दे या फुलफिल कर दे। इसको सिंपली आप होल्डिंग सब्सिडरी मत समझिए, अभी आप ये समझिए, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के ऊपर दो पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर सेटअप कर दे या फुलफिल कर दे, वो कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ जाएगा। पहला, अगर एक कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी, अगर दूसरी कंपनी में जिसको सब्सिडरी नाम दिया गया है, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है, तो जो कंट्रोल्ड कर रही है बेटा कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो होल्डिंग कंपनी है, और जिसमें कंट्रोल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी है। क्वेश्चन मार्क, सर ये होता क्या है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? तो बेटा नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है, और एक्सप्लेनेशन सेकंड में बताया गया कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। बस अभी के लिए आप, अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा, पहले मैं रीड कर रहा हूं।
दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट था आपने ये पढ़ा, जहां पर एक कंपनी होल्डिंग कंपनी दूसरी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर क्या कर रही है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल्ड कर रही है, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आता है। दूसरा, या फिर एक कंपनी एक्सरसाइज कर रही है या फिर कंट्रोल कर रही है मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। यहां पर वर्ड टोटल शेयर कैपिटल लिखा है बेटा, पर वर्ड ये टोटल शेयर कैपिटल चेंज हो चुका है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, ये वर्ड टोटल शेयर कैपिटल को रिप्लेस करके वर्ड डाल दिया गया था टोटल वोटिंग राइट। तो अभी मैंने लिखा जरूर है यहां पर, बट इसको रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने यहां पर टोटल शेयर कैपिटल की जगह पर क्या कर दिया है, टोटल वोटिंग राइट कर दिया। अब देखिए, अब दोबारा पढ़ते हैं, अगर एक कंपनी एक्सरसाइज कर रही है या फिर कंट्रोल कर रही है मोर देन वन हाफ, मोर देन वन हाफ का मतलब क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट आइदर एट इट्स ओन। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के एक्सरसाइज कर रही है या कंट्रोल कर रही है मोर देन वन हाफ, 50% से ज्यादा टोटल वोटिंग राइट आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। जी, ये कुछ समझ आई आपको बात? देखो, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन दो तरह से बनता है, जैसे दो पॉइंट आपने पढ़ी है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा। सब्सिडरी कंपनी ने क्या बोला, सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी हो, और सॉरी होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ा, होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी कोई सब्सिडरी हो। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, सब्सिडरी के बारे में, और सब्सिडरी के बारे में क्या पढ़ा हमने, जिसकी जिसके जिसमें होल्डिंग कंपनी दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे। चलो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन कब एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जब दो कंडीशन में से एक कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। और क्या क्या कंडीशन है, तो अभी आपने देखा पहली कंडीशन, जब क्या हो रहा है बेटा, कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां पर कंपनी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। दूसरा, या फिर कंपनी एक्सरसाइज कर रही है या फिर कंट्रोल कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है या फिर कंट्रोल कर रही है मोर देन वन हाफ को, मैं बोलूंगा 50% से ज्यादा बेटा, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इसमें दो बातें बेटा, इस वाले कंडीशन में आइदर एट इट्स ओन, और दूसरी बात है बेटा इसमें टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज, टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज। ये लो जी, ये होगी डेफिनेशन। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के रिलेशन के लिए दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दो आप, होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दो। पहली कंडीशन क्या है, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल्ड कर रही है। दूसरा, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी के एक्सरसाइज कर रही है या कंट्रोल कर रही है मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब एक कंपनी एक्सरसाइज कर रही है, कंट्रोल्ड कर रही है दूसरी कंपनी के टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 50% टोटल 50% वोटिंग पावर, या तो अकेले आइदर एट इट्स ओन या फिर टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज। चलो जी, अब वन बाय वन दोनों, ये दो ही बेटा सिचुएशन है, इन दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो दो कंपनीज के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर जाएगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। पहला जो केस था हमने पढ़ा कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैंने यहां लिख दिया, और दूसरा जो केस था एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मैंने यहां लिख दिया। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, एग्जांपल से समझिएगा।
एक कंपनी है बेटा एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी जिसका नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या कर रही है, पीक्यूआर लिमिटेड के, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, दूसरी कंपनी कौन सी है, पीक्यूआर लिमिटेड। अगर एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या तो अपॉइंटमेंट करता है या फिर रिमूवल करता है, मतलब एबीसी लिमिटेड कंपनी के पास पावर है बेटा पीक्यूआर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आइदर अपॉइंट करने की या फिर रिमूव करने की। या तो बेटा ऑल द डायरेक्टर्स, आइदर ऑल द डायरेक्टर्स और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, आइदर ऑल द डायरेक्टर्स और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी के टोटल डायरेक्टर 8 है, तो या तो 8 के 8 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, पीक्यूआर लिमिटेड के, पीक्यूआर लिमिटेड के 8 की 8 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या रिमूवल एबीसी लिमिटेड कंपनी के हाथ में है, या तो ऑल डायरेक्टर्स की बात हो रही है 8 के 8, या फिर मेजोरिटी, 8 का मेजोरिटी कितना होगा 5, या फिर 5 डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या रिमूवल पीक्यूआर लिमिटेड के एबीसी लिमिटेड के पास है। सो माना जाएगा इस केस में एबीसी लिमिटेड कंट्रोल कर रही है बेटा, किस चीज को कंट्रोल कर रही है, द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। ये बात आ गई समझ, मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल्ड कर ले, So, जो भी कंपनी कंट्रोल्ड कर रही है कॉम्पोजिशन को बेटा वो मानी जाएगी होल्डिंग कंपनी, और जिसमें कंट्रोल्ड किया जा रहा है वो मानी जाएगी सब्सिडरी कंपनी। अब कंट्रोल्ड कैसे आएगा, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या तो आइदर अपॉइंट करने की पावर रखती है या फिर रिमूव करने की पावर रखती है, या तो सारे के सारे डायरेक्टर्स की, आइदर ऑल डायरेक्टर्स और दूसरा मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो माना जाएगा कि एबीसी लिमिटेड के पास, अगर एबीसी लिमिटेड अपॉइंटमेंट और रिमूवल की पावर रखती है, दैट मींस वी कैन से दैट एबीसी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और व्हेन एवर कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवर अनदर कंपनी, द कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन नोन एज होल्डिंग कंपनी, और जिसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है बेटा वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी। अब ये मैंने इतनी सारी बातें जो आपको बताई, वहां तो कुछ लिखा नहीं था, यहां पर तो सिर्फ क्या लिखा था, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और मैंने ये बता दिया कि वो कॉम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल करते हैं हम, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो कैसे करते हैं। तो बेटा मैंने अपने आप नहीं बताया, सेक्शन 2 क्लॉज 87 के नीचे एक्सप्लेनेशन देखिए, सेकेंड द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी की कॉम्पोजिशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, माना जाएगा कोई दूसरी कंपनी उसको कंट्रोल्ड कर रही है। इफ दैट अदर कंपनी, अगर दूसरी कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट डिस्क्रिशन, अगर दूसरी कंपनी अपनी डिस्क्रिशन से, अपनी पावर से कैन अपॉइंट और रिमूव, मतलब एबीसी लिमिटेड क्या कर पा रही है, या तो अपॉइंट कर पा रही है या फिर रिमूव कर पा रही है ऑल डायरेक्टर्स और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बता दिए बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे कंट्रोल्ड होती है, ये एक्सप्लेनेशन ने बता दिया कि जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को या रिमूवल को कंप्लीट कर रही है, अपॉइंटमेंट और रिमूवल दूसरी कंपनी, मतलब यहां पर एग्जांपल में कौन है, पीक्यूआर लिमिटेड, और कौन कंट्रोल्ड कर रहा है, एबीसी लिमिटेड, या तो उनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल एबीसी लिमिटेड के हाथ में सारे के सारे डायरेक्टर्स की, आइदर ऑल डायरेक्टर्स और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, देन वी कैन से दैट एबीसी इज कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एबीसी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और पीक्यूआर लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। अच्छा यहाँ पर कोई शेयर नहीं खरीद रखे बेटा, बच्चों में डाउट क्या है, शेयर खरीद रखे हैं सर, ना कोई शेयर नहीं खरीद रखे, यहाँ पर सिर्फ एबीसी लिमिटेड के पास क्या है, कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन है कंट्रोल करने की दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स को एबीसी लिमिटेड अपॉइंट कर रही है, ऐसा कैसे अपॉइंटमेंट है। तो सर हो सकता है दोनों कंपनी के जो प्रमोटर्स हो, दोनों कंपनी के जो प्रमोटर हो, दोनों कंपनी के प्रमोटर सेम हो सकता है बच्चों, ये दोनों कंपनी के प्रमोटर क्या हो, सेम हो, और एबीसी लिमिट, और जो कंपनी बेटा एबीसी लिमिटेड है वो पुरानी है, और न्यू कंपनी जो फॉर्म हुई है वो पीक्यूआर लिमिटेड है, और प्रमोटर साहब ने क्या करा,
एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन में डाल दिया कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होगी और रिमूवल होगी वो एबीसी पीक्यूआर लिमिटेड नहीं करेगी, वो एबीसी लिमिटेड करेगी। तो पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी ने खुद अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करा, इंसर्ट करा एक क्लॉज और लिखा दैट ऑल द डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड आर टू बी डन बाय एबीसी लिमिटेड, या फिर ऑल द डायरेक्टर्स और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड आइदर टू बी अपॉइंटेड और टू बी रिमूव्ड बाय द एबीसी लिमिटेड। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या करा आपने, एक क्लॉज दिलवा दिया जिसमें एबीसी लिमिटेड कंपनी को आपने पावर दे दी कि आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं। दैट मीन्स पीक्यूआर लिमिटेड ने खुद अपनी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल्ड एबीसी लिमिटेड को दिया। और ऐसा जनरली कब होता है, जब बेटा प्रमोटर लोग दोनों कंपनी के सेम होते हैं तो फिर कंपनी का प्रमोटर खुद क्या करता है, जो नई कंपनी फॉर्म्ड होती है उसके आर्टिकल्स में प्रोविजन डलवाकर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको ऑथराइज कर देता है कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और रिमूवल आप ही के हाथ में रहेगी ऑलवेज। हाँ जी बताओ, समझ आ गया ये पक्का, कोई डाउट यहां तक? तो एक बार दोबारा से, एक बार बेटा, दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन समझ आ जाएगा आपको। और इससे बेटा इजी नहीं हो सकता, बहुत ही स्लो स्पीड में हम चल रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन कैसे आता है। तो सर जब दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ जाता है। पहली कंडीशन क्या थी सर, जहां पर एक कंपनी कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरी कंपनी के, और सर जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल्ड करती है वो कैसे पॉसिबल है। तो जहां पर बेटा एक कंपनी दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल्ड कर रही है कैसे सर, दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या तो अपॉइंटमेंट या रिमूवल या तो सारे के सारे डायरेक्टर्स की या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की एबीसी लिमिटेड के पास हो। और ये पावर एबीसी लिमिटेड के पास कैसे आएगी सर, एबीसी लिमिटेड के पास पावर ही आएगी पीक्यूआर लिमिटेड के खुद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे ऑथराइज करेंगे कि आप हमारी कंपनी की कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल्ड कर लीजिए। और बेटा उस केस में एबीसी लिमिटेड होल्डिंग होगी, पीक्यूआर लिमिटेड सब्सिडरी होगी। लास्ट चीज दोबारा बोल रहा हूं समझना, एबीसी लिमिटेड ने कोई शेयर होल्डिंग होल्ड नहीं कर रखी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एबीसी लिमिटेड के पास कुछ शेयर होने चाहिए, हो सकता है पीक्यूआर लिमिटेड बिना कोई एबीसी लिमिटेड के शेयर खरीदे उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज कर रही है कि आप डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट रिमूवल खुद ही करिएगा। यहां तक बताओ बात समझ आ गई, कोई डाउट यहां तक बेटा? आगे कोई डाउट तो नहीं, अब आगे चले। अब सेकेंड कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, या फिर एक कंपनी क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, कंट्रोल्ड कर रही है मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब एक कंपनी क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है या फिर कंट्रोल्ड कर रही है मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। ये मैंने एग्जाम्पल बेटा फर्स्ट केस का लिया है, ये वाले इस वाले केस का एग्जाम्पल होगा। अब मैं सेकेंड केस का एग्जाम्पल लेता हूँ और जिसमें होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन दोबारा बन रहा है। और वो रिलेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि एक कंपनी क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है या फिर कंट्रोल्ड कर रही है मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। नोट डाउन करने के लिए बेटा टाइम दूंगा, पहले आप पूरे के पूरे एग्जाम्पल देखते रहिए फिर नोट डाउन करिएगा। पहला कंडीशन हमारी फुलफिल हमने कर दी, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं जहां पर हमने पढ़ा है एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% और मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। हमारे एग्जाम्पल में बेटा वही रहेगा, एबीसी लिमिटेड रहेगी। एबीसी लिमिटेड ने इस बार क्या करा, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, इस एक्स वाई जेड लिमिटेड में मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर के शेयर खरीद लिए। मतलब एबीसी लिमिटेड के पास, अब देखिए बेटा, अब ध्यान से समझना, अब एक्स वाई जेड की शेयर होल्डिंग एबीसी के पास है। अब शेयर कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब एबीसी एक्वायर कर रहा है एक्स वाई जेड के शेयर। बट ऊपर वाले केस में एबीसी ने पीक्यूआर लिमिटेड के कोई शेयर एक्वायर नहीं किए थे। यहां पर भी एग्जाम्पल में पीक्यूआर कर देता हूं बेटा, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये लीजिए,
पहले वाले केस में एबीसी ने पीक्यूआर के ऊपर कोई शेयर होल्डिंग होल्ड नहीं करी थी, कोई भी शेयर एक्वायर नहीं किए थे। अब वाले एग्जाम्पल में एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है, पीक्यूआर लिमिटेड के शेयर एक्वायर कर रहा है, और इतने शेयर एक्वायर कर रहा है जिससे एबीसी लिमिटेड को, जिससे एबीसी लिमिटेड के पास मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर आ गई पीक्यूआर लिमिटेड की। सो पीक्यूआर लिमिटेड की 100% जो टोटल वोटिंग पावर है उसका मोर देन 50% वोटिंग पावर कौन एक्सरसाइज कर पा रहा है, अगर एबीसी लिमिटेड एक्सरसाइज कर पा रही है, अगर पीक्यूआर लिमिटेड की मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर का, सॉरी 100% टोटल वोटिंग पावर में से मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर अगर कौन एक्सरसाइज कर पा रहा है, एबीसी लिमिटेड एक्सरसाइज कर पा रहा है, तो हम मानेंगे एबीसी इज एक्सरसाइजिंग और होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो एबीसी यहां पर कौन सी कंपनी हो गई, होल्डिंग कंपनी, और यहां पर दूसरी जो पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी है यहां पर वो कौन सी कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो समझने वाली यहां पर वो ये है कि यहां पर एबीसी लिमिटेड एक्वायर कर रही है पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी के शेयर, बट इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में जो पहला हमारा केस था उसमें कोई शेयर एक्वायर नहीं कर रही थी एबीसी लिमिटेड, बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, शेयर एक्वायर किए जा रहे हैं। ये बताइए यहां तक बात समझ आ गई, कोई डाउट? पहला हमारा केस समझ आ गया कि कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन, ये भी हमें समझ आ गया। आइदर एट इट्स ओन का मतलब बेटा कंपनी, होल्डिंग कंपनी खुद क्या कर रही है अकेले, आइदर एट इट्स ओन अकेले अपने आप क्या कर रही है, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर कर रही है पीक्यूआर लिमिटेड में। एक और बेटा केस है इसमें जो सेकेंड वाला, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्डिंग कंपनी कर रही है टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। अब एग्जाम्पल में चेंज हो जाएगा, अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बेटा, ये एग्जाम्पल था आइदर एट इट्स ओन का, ये एग्जाम्पल था आइदर एट इट्स ओन का। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, सेम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या करा, पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी में, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी में क्या करा, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर किए, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर किए। सो एबीसी लिमिटेड कंपनी कौन सी हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई, और पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी कौन सी हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? अरे बिल्कुल, एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह सेम हुआ, हाँ जी बिल्कुल सेम है। अब थोड़ा चेंज होने वाला बेटा, अब पिक्चर में एक और कंपनी आ रही है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, अभी तक एक्स वाई जेड लिमिटेड पिक्चर में थी नहीं, अब एक और कंपनी आ गई एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब क्या हो रहा है, इस एक्स वाई जेड लिमिटेड के पीक्यूआर लिमिटेड ने 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर खरीद रखी है, और एबीसी लिमिटेड ने इस एक्स वाई जेड लिमिटेड में 32% टोटल वोटिंग पावर, 42% कर देते हैं, 42% टोटल वोटिंग पावर खरीद रखी है। मतलब एबीसी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड में 42% टोटल वोटिंग पावर खरीद रखी है, और पीक्यूआर लिमिटेड ने 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर खरीद रखी है, और एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड में मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर खरीद रखी है। चलो एबीसी और पीक्यूआर के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ रहा है, सब ये फ्रीज कर दे, बिल्कुल यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप वन यही था हमारा, एबीसी ने मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर की पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की, दैट मींस होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन किसके बीच में आया, एबीसी लिमिटेड और पीक्यूआर लिमिटेड में। पीक्यूआर लिमिटेड ने एक्स वाई जेड में होल्ड करा 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, क्या पीक्यूआर लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड में कोई रिलेशन आ रहा है, आंसर इज नो, कोई रिलेशन नहीं आ रहा। होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मोर देन 50%। सर एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड लिमिटेड के 42% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर करे, क्या एबीसी लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड में कोई रिलेशन आ रहा है, अगेन आंसर इज नो, क्योंकि मोर देन 50% यहां भी नहीं आ रहा। बट लॉ मेकर कहता है अगर
होल्डिंग कंपनी किसी थर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और उसी की होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट भी होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। मतलब एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड लिमिटेड में 42% टोटल वोटिंग पावर खरीद रखा है, ये तो सच है, और पीक्यूआर लिमिटेड ने एक्स वाई जेड लिमिटेड में 20% टोटल वोटिंग पावर खरीद रखा है, इस इन्वेस्टमेंट को भी पीक्यूआर की होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट माना जाए, एबीसी लिमिटेड कंपनी की इन्वेस्टमेंट माना जाए। तो अगर मान लीजिए होल्डिंग कंपनी खुद इन्वेस्ट कर रही है 42% और अगर उसकी सब्सिडरी कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है वो इन्वेस्ट कर रही है 20% और अगर सब्सिडरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट मानी जाए तो टोटल बैठकर कितना हो जाएगा 62%, जो अपने आप में किसके बराबर किससे ज्यादा है, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर से ज्यादा है। सो लॉ मेकर कहता है एक्स वाई जेड लिमिटेड इज ऑल्सो ए सब्सिडरी कंपनी, एक्स वाई जेड लिमिटेड इज ऑल्सो ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ किसकी, होल्डिंग कंपनी की, मतलब एबीसी लिमिटेड कंपनी की। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड की और पीक्यूआर भी क्या है सब्सिडरी है एबीसी लिमिटेड की, बट पीक्यूआर और एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन नहीं आ रहा। और यहां पर एबीसी ने पीक्यूआर लिमिटेड को जो बनाया सब्सिडरी वो कैसे बनाया, आइदर एट इट्स ओन, अकेले अपने आप इन्वेस्ट करा था, खुद एबीसी लिमिटेड ने मोर देन 50% टोटल वोटिंग एक्वायर करे पीक्यूआर लिमिटेड के। तो बेटा ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया जहां पर कंपनी एक्सरसाइज कर रही है, कंट्रोल कर रही है मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन, ये खुद हो रहा है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज, या फिर किसके साथ मिलकर एक्वायर किया जा रहा है, सब्सिडरी के साथ मिलकर। तो यहां देखिए एक्स वाई जेड लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर है, बट क्या होल्डिंग कंपनी ने अकेले मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर किया, आंसर इज नो, कुछ पार्ट होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर करा और कुछ पार्ट किसने एक्वायर करा, सब्सिडरी ने। और अगर कोई सब्सिडरी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट करती है आगे किसी और कंपनी में, कोई एक्विजिशन करती है, तो वो किसकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, होल्डिंग कंपनी की। तो पीक्यूआर लिमिटेड ने जो 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्स वाई जेड में खरीदा वो किसका माना जाएगा, एबीसी लिमिटेड का। तो एबीसी लिमिटेड का एक्विजिशन है 42% है, और अगर पीक्यूआर लिमिटेड का एक्विजिशन 20% है, 20% ऐड कर दी जाएगा 42% में, तो मोर देन किसका हो गया 50% हो गया, तो माना जाएगा पीक्यूआर लिमिटेड इज ऑल्सो ए सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। बट यहां पर एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर को सब्सिडरी आइदर एट इट्स ओन नहीं बनाया, यहां पर सब्सिडरी कंपनी बनाया पीक्यूआर लिमिटेड ने टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर बनाया, बिकॉज इसने अकेले क्या नहीं कर रखा, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्स वाई जेड की नहीं खरीदी, उसने किसके साथ मिलकर खरीदी है, सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करी है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी आगे कर रही है वो भी इन्वेस्टमेंट किसका मानी जाएगी, होल्डिंग कंपनी की मानी जाएगी। तो बेटा ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, सर ये एग्जाम्पल हो गया टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज, समझ आ गया पक्का, कोई डाउट अभी बेटा, खत्म नहीं हुआ अभी, तो बहुत कुछ है अभी, तो इफ एंड बट बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं अभी इसमें। इतना बेसिक मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन दो तरह से बनता है होल्डिंग सब्सिडरी का। पहला रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी का कब बनता है, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल्ड कर लेती है, हमने ये पढ़ लिया। दूसरा, या फिर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर खरीद लेती है, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज। तो मैंने बेटा क्या करा, आइदर एट इट्स ओन के एग्जांपल भी समझा दिया आपको, ठीक है, टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज का एग्जांपल भी समझा दिया। अब बेटा नेक्स्ट चीज देखिए, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, अगर बेटा सब कुछ सेम रहेगा, मैं इसी में ही चेंजेस कर दे रहा हूं, सब कुछ सेम है, मैं रिवर्स कर रहा हूं बेटा, रिवर्स कैसे कर रहा हूं, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, मान लीजिए अब 42% टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है पीक्यूआर लिमिटेड एक्स वाई जेड में, और एबीसी 42% होल्ड ना करके सिर्फ कितना होल्ड कर रहा है 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो ये सिचुएशन वन हो गई, ये सिचुएशन टू हो गई, ठीक है जी, ये सिचुएशन वन हो गई, ये सिचुएशन टू हो गई, रिवर्स कर दिया बेटा। अच्छा पहला स्टेप सेम है, पहला स्टेप क्या है, एबीसी लिमिटेड ने मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर कर रखे हैं पीक्यूआर लिमिटेड में, तो इनके बीच में तो बेटा होल्डिंग सब्सिडरी आ रहा है, और कैसे आ रहा है, यहां पर एबीसी ने पीक्यूआर को सब्सिडरी क्या बनाया, कैसे बनाया, एट इट्स ओन, अकेले अपने आप बनाया, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ गया दोनों में, सर आ गया यहां तक समझ आ गया।
अब बेटा मैंने सिचुएशन में चेंज क्या करा है, जो होल्डिंग कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये एक्स वाई जेड लिमिटेड में होल्ड कर रही है सिर्फ 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और पीक्यूआर लिमिटेड एक्स वाई जेड में जो सब्सिडरी है पीक्यूआर वो होल्ड कर रही है, वो होल्ड कर रही है एक्स वाई जेड में 42%। तो मैंने सिचुएशन को क्या करा है, चेंज करा है। अब क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी? यस मानी जाएगी, सब्सिडरी कंपनी तो मानी जाएगी। मेरा क्वेश्चन जो आपसे ध्यान से सुनना, सब्सिडरी कंपनी एक्स वाई, अच्छा पहले पीक्यूआर लिमिटेड सब्सिडरी है, यस। एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, यस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक्स वाई जेड भी सब्सिडरी है, मैं आपको बता रहा हूं आंसर, पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड सब्सिडरी किसकी, एबीसी की मानी जाएगी या पीक्यूआर लिमिटेड की मानी जाएगी? क्योंकि अब जो इन्वेस्टमेंट हो रही है एक्स वाई जेड लिमिटेड में वो एबीसी की नहीं है ज्यादा, अब किसकी ज्यादा हो रही है, पीक्यूआर की। पहले वाले केस में क्या था, पीक्यूआर 20% होल्ड कर रहा था एक्स वाई जेड में, और एबीसी एक्स वाई जेड में 42% होल्ड कर रही थी, तो हमने इस 42% में 20% ऐड कर दिया। अब वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, रिवर्स कर दिया मैंने, पीक्यूआर लिमिटेड 42% होल्ड कर रहा है एक्स वाई जेड में, और एबीसी लिमिटेड कितना होल्ड कर रहा है, सिर्फ 20% होल्ड कर रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड सब्सिडरी है, यस सर, ये एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी मानी जाएगी, पीक्यूआर लिमिटेड की सब्सिडरी मानी जाएगी। सोचो अपना अपना आंसर अपने पास फ्रीज कर लो बेटा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। अच्छे से सोच लीजिए बेटा, सिचुएशन वन और सिचुएशन टू में क्या डिफरेंस है। सिचुएशन वन में डिफरेंस आपको समझ आया कि सर पीक्यूआर लिमिटेड 42% होल्ड कर रही थी, और सॉरी एबीसी लिमिटेड 42% होल्ड कर रही थी जो होल्डिंग कंपनी थी, और पीक्यूआर जो सब्सिडरी थी वो सिर्फ 20% होल्ड कर रही थी। अब सिचुएशन मैंने चेंज क्या कर दिया, पीक्यूआर लिमिटेड 42% होल्ड कर रही है और एबीसी लिमिटेड 20% होल्ड कर रही है। सो एक्स वाई जेड सब्सिडरी किसकी सब्सिडरी, एबीसी की, पीक्यूआर की? सोचो बच्चों, अपने अपने आंसर को अपने पास मन में रखिए और सुनिए ध्यान से। लॉ मेकर कहता है हमें मतलब नहीं है पीक्यूआर लिमिटेड ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। लॉ मेकर कहता है जो भी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो, उसको हम क्लब कर देते हैं किसकी इन्वेस्टमेंट में, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट में। तो सेकंड वाले एग्जांपल में पीक्यूआर लिमिटेड ने 42% होल्ड करा जो होल्डिंग कंपनी से कहीं ज्यादा है, होल्डिंग कंपनी ने कितना होल्ड करा था, 20%। तो ये 20 इस 42 में ऐड नहीं होगा, ये 42 इस 20 में ऐड होगा, मतलब अभी भी जो पीक्यूआर लिमिटेड का 42% एक्स वाई जेड में इन्वेस्ट हो रहा है वो पीक्यूआर लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट ना मानकर किसकी इन्वेस्टमेंट को माना जाएगा, एबीसी लिमिटेड कंपनी की इन्वेस्टमेंट को माना जाएगा। और जब वो एबीसी लिमिटेड कंपनी की इन्वेस्टमेंट को माना जाएगा तो एबीसी की खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20%, और पीक्यूआर की कितनी है, 42%। सो 20% और उसमें एड ऑन कर दो 42% इज इक्वल टू कितना होगा, 62%, विच इज मोर देन 50%। तो यहां पर सब्सिडरी कंपनी अगेन एक्स वाई जेड लिमिटेड किसकी मानी जाएगी, सर एबीसी लिमिटेड की मानी जाएगी। अच्छा बेटा तीसरा एग्जाम्पल सुनिए, थर्ड सिचुएशन, पीक्यूआर लिमिटेड 49% होल्ड कर रही है एक्स वाई जेड लिमिटेड में, और जो बेटा जो एबीसी लिमिटेड है वो सिर्फ होल्ड कर रही है 2% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अभी भी इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग की 2% ही है ना, बट उसने जो सब्सिडरी ने इन्वेस्ट कर रखा है 49%, इस 2% में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये 2% 49 में ऐड नहीं होगा, पीक्यूआर की इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा, पीक्यूआर की इन्वेस्टमेंट 49 इस एबीसी की लिमिटेड की 2% में ऐड कर दी जाएगी, 51% हो जाएगी, विच इज मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, अगेन माना जाएगा एक्स वाई जेड लिमिटेड की सब्सिडरी, एक्स वाई जेड लिमिटेड सब्सिडरी है किसकी, एबीसी लिमिटेड की। यहां तक समझ आ गया, पक्का कोई डाउट? तो हमेशा हम क्या करते हैं, सब्सिडरी कंपनी जो इन्वेस्ट करते हैं आगे थर्ड पार्टी में, थर्ड कंपनी में, उसकी इन्वेस्टमेंट को हम एड ऑन करते हैं, क्लब करते हैं किसकी इन्वेस्टमेंट में, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट में। सो इन तीनों सिचुएशन में, इन ऑल थ्री सिचुएशन मेंशनड, इसमें तीनों केस में क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या करा, एक्स वाई जेड लिमिटेड को सब्सिडरी बनाया, आइदर एट इट्स ओन बनाया या टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी, टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी बनाया, टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी बनाया। बताइए एग्जांपल समझ आ गया, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया ना बेटा, इसमें एक ही सब्सिडरी है, मैं इसमें एक और सब्सिडरी ऐड कर सकता हूं, बताओ कर दूं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा वो, एक सिचुएशन और बता देता हूं इसमें, पहले बताइए इतना समझ आ गया,
तीनों ही केस में क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड सब्सिडरी किसकी मानी जा रही है, पीक्यूआर की, एबीसी लिमिटेड की? सर वो एबीसी लिमिटेड की मानी जाएगी, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा सब्सिडरी कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में, सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को हम होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे, क्लब कर देंगे। एक और एग्जांपल सुनिए, यहां पर बोला टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी, इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा वर्ड बाय वन, हम वर्ड बाय वर्ड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को। अभी तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, पहले जो मुझे एक और समझाना है, फिर मैं आपको नोट डाउन करने के लिए सारी चीजें बताऊंगा बोलूंगा, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। एक और केस देखते हैं, एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, एक कंपनी ली हमने पीक्यूआर लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या करा, पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी में क्या करा, इन्वेस्ट करा। मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर का। सेम एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, एक्स वाई जेड लिमिटेड में भी मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करी। दोनों ही केस में बेटा क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, और पीक्यूआर लिमिटेड भी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, और एक्स वाई जेड भी क्या है यहां पर, सब्सिडरी कंपनी है। समझ आ रहा है बच्चों इतना? तो हो क्या रहा है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसने पीक्यूआर लिमिटेड में पहले मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर खरीदी, तो एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई, पीक्यूआर लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी बन गई। फिर एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर के शेयर खरीदे, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड भी क्या बन गई, एक्स वाई जेड लिमिटेड भी क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी बन गई एबीसी लिमिटेड की। अब एक और कंपनी लेते हैं, एमएनपी लिमिटेड। इस एमएनपी लिमिटेड कंपनी में क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड होल्ड कर रहा है 20% ऑफ, 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। इस एमएनपी लिमिटेड में एबीसी कितना होल्ड कर रहा है, 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और इस एमएनपी लिमिटेड में एक्स वाई जेड होल्ड कर रहा है 15% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और इस एमएनपी लिमिटेड में पीक्यूआर होल्ड कर रहा है 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। चलो जी, एबीसी और पीक्यूआर में रिलेशन चेक करें, होल्डिंग सब्सिडरी का रहा है बिकॉज एबीसी ने मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर पीक्यूआर में खरीद रखा है। एबीसी और एक्स वाई जेड में रिलेशन चेक करें, होल्डिंग सब्सिडरी का रहा है बिकॉज एबीसी ने एक्स वाई जेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर के शेयर खरीद रखे हैं। अच्छा, एबीसी लिमिटेड और एमएनपी लिमिटेड में स्टेटस चेक करें तो नो स्टेटस, कोई स्टेटस नहीं है, बिकॉज एबीसी लिमिटेड कितना होल्ड कर रहा है, सिर्फ 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। एक्स वाई जेड और एमएनपी का रिलेशन चेक करें, कोई रिलेशन नहीं आ रहा, बिकॉज एम एक्स वाई जेड कितना होल्ड कर रहा है, 15% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन एमएनपी लिमिटेड। अच्छा, पीक्यूआर लिमिटेड और एमएनपी का स्टेटस चेक करें, कोई स्टेटस नहीं है, ये भी कितना होल्ड कर रहा है, 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यहां तक बात समझ आ गई? बट हमने क्या पढ़ा था, होल्डिंग कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में, और अगर उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो सब्सिडरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, होल्डिंग कंपनी की। तो यहां पर होल्डिंग कंपनी खुद एबीसी लिमिटेड एमएनपी लिमिटेड में कितना होल्ड कर रही है, एबीसी लिमिटेड एमएनपी लिमिटेड में खुद अकेले होल्ड कर रही है 20%, बट एबीसी की दो सब्सिडरी है बेटा। यहां पर बेटा एग्जाम्पल में वन और मोर, पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, तो इससे ऊपर एग्जाम्पल लिया था, यहां पर एक ही सब्सिडरी का एग्जाम्पल लिया था। अब यहां पर मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, पहले मैंने लिया था विद वन सब्सिडरी, मतलब होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी के साथ मिलकर दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बना रहा है, बट यहां पर होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी के साथ मिलकर सब्सिडरी नहीं बना रहा, यहां पर दो सब्सिडरी के साथ मिलकर। सो पीक्यूआर लिमिटेड भी सब्सिडरी एबीसी की, एक्स वाई जेड भी सब्सिडरी एबीसी की। सो इन्वेस्टमेंट जो है बेटा पीक्यूआर की 20% तो एबीसी की खुद की हो गई है, ठीक है जी, और 15% उसकी एक सब्सिडरी की होगी, 20% उसकी एक सब्सिडरी की होगी, तीनों को ऐड कर देंगे बेटा कितना हो जाएगा ये 55%, विच इज मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर।
तो यहां पर एमएनपी लिमिटेड फिर बन गई सब्सिडरी कंपनी, और यहां पर एमएनपी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी बन गई किसकी, क्या पी एक्स वाई जेड की? नो। क्या पीक्यूआर की? आंसर इज नो। अगेन किसकी बन गई? एबीसी लिमिटेड की, क्योंकि पीक्यूआर की जो भी इन्वेस्टमेंट एमएनपी में होगी, एक्स वाई जेड की जो भी इन्वेस्टमेंट एमएनपी की होगी, वो हम किसमें क्लब कर देंगे? वो हम क्लब कर देंगे एबीसी लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट में। मैं चाहे यहां पर 49% कर दूं बेटा, मैं यहां पर 49% कर दूं, एक्स वाई जेड ने इन्वेस्ट कर रखा है, 1% कर दूं पीक्यूआर ने कर रखा है, और 1% एबीसी लिमिटेड ने कर रखा है, तब भी बेटा जो भी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी एक्स एमएनपी में करेगी, वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी की ना मानकर हम किसकी इन्वेस्टमेंट मानेंगे? हम होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट मानेंगे, और होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट में से क्लब करके चलेंगे। बताइए एग्जाम्पल समझ आ गया? ये कौन सा एग्जाम्पल है? यहां पर एबीसी लिमिटेड ने सब्सिडरी बनाया एमएनपी को, कैसे? विद मोर देन वन सब्सिडरी। यहां पर बेटा एमएनपी सब्सिडरी बन रही है विद मोर देन वन सब्सिडरी, और ऊपर बेटा जो पीक्यूआर सब्सिडरी बन एक्स वाई जेड सब्सिडरी बन रही थी, वो एक सब्सिडरी के साथ बन रही थी। इतनी बातें अभी तक समझ आ गई आपको सारी? अब इसको बच्चों आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा आंसर। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, जितना हमने होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में जो जो अभी तक सिचुएशन को पढ़ा है और समझा है एग्जाम्पल के साथ, आप यहां से नोट डाउन करिए, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट से लिखिए।
हाँ जी बच्चों, डन लिख लिया। अब बच्चे लास्ट वाले केस में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं साइड में कॉम्पोजिशन लिख देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो लास्ट वक्त पढ़ने में। एबीसी लिमिटेड और एमएनपी लिमिटेड में स्टेटस अगर कोई पूछे आपसे तो कौन सा स्टेटस है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का, और डायरेक्ट रिलेशन है एंड डायरेक्ट, डायरेक्टली बनाया है होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी एमएनपी को, सॉरी ये पी क्यू आर एक्स वाई जेड को। अगर हम पी क्यू आर एबीसी का पी क्यू आर के साथ और एबीसी का एक्स वाई जेड के साथ रिलेशन करें तो ये होल्डिंग सब्सिडरी कैसे बनी है बेटा, ये होल्डिंग सब्सिडरी बनी है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करी है एबीसी लिमिटेड ने। और एक कॉम्पोजिशन अगर हम लिखे एबीसी लिमिटेड और एमएनपी लिमिटेड में स्टेटस अगर हम देखें तो बेटा यहां भी होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन आ रहा है, बट यहां पर रिलेशन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज आ रहा है। हाँ जी, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज आ रहा है, बची कंपनीज में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बस ये दो ही रिलेशन बने बेटा इस एग्जाम्पल में। इस वाले एग्जाम्पल में एबीसी का पी क्यू आर के साथ कौन सा रिलेशन है, एबीसी का पी क्यू आर के साथ बेटा डायरेक्ट रिलेशन है होल्डिंग सब्सिडरी का, और दूसरा बेटा एबीसी का एक्स वाई जेड के साथ रिलेशन, एबीसी एबीसी का एक्स वाई जेड के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट बेटा बनाएगी होल्ड सब्सिडरी कंपनी थ्रू सब्सिडरीज। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट, वैसे इनडायरेक्ट बोलते नहीं है आप, लिख लीजिए वैसे ही कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसे सब्सिडरी कंपनी बनाया है मतलब डायरेक्टली नहीं, अपने आप होल्ड नहीं करा, थ्रू सब्सिडरीज बनाया। यहाँ पर मेरे इनडायरेक्टली लिखने का मतलब क्या है, थ्रू सब्सिडरीज बनाया है। चलिए बेटा ये सब आपने लिख लिया, अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा फिर रीडिंग पोर्शन पे आएंगे, उसमें अभी बहुत सारी और बातें भी हैं। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, भयंकर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से गिरवे मत जाना, ठीक है जी। अब देखो एबीसी लिमिटेड कंपनी है बेटा, सर मजे ले रहे हो, सब कुछ तो पुराना ही है। एबीसी लिमिटेड इस बार कंपनी सेम है, एबीसी लिमिटेड में देख लो सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, एबीसी लिमिटेड में मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स होल्ड कर रहा है मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर। हाँ जी दोबारा सुनिए क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड कंपनी में मिस्टर एक्स, एक्स मैन मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर। बस मेरा आपसे सवाल यही है, क्या होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ रहा है, और अगर आ रहा है तो एक्स कौन और एबीसी लिमिटेड कौन, अपना आंसर अपने पास सोच लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं आंसर, आपका समय शुरू होता है अब। एबीसी लिमिटेड कंपनी में एक्स ने क्या करा, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर खरीद रखी है, शेयर खरीद रखे हैं, डन सोच लिया। चलो कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा मिस्टर एक्स होल्डिंग है और एबीसी क्या है सब्सिडरी है, बेटा बिल्कुल गलत, यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट होता ही नहीं। सर ऐसा क्यों, तो बच्चों होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन कंपनीज, यहां पर मिस्टर एक मिस्टर एक्स कंपनी थोड़ी है, सो मिस्टर एक्स इज नॉट ए होल्डिंग कंपनी, मिस्टर एक्स इज ए शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी, बस और कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। सो अगर एक इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल एक कंपनी में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर देता है तो क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आएगा, बिल्कुल भी नहीं, होल्डिंग रिलेशनशिप होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट होगा, आंसर इज नो, यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप किसके बीच में आता है, कंपनीज के बीच में आता है। अगर मैं यहां पर एक्स वाई जेड लिमिटेड कर दूं एग्जाम्पल में चेंज करके कि एक्स वाई जेड लिमिटेड मोर देन 50% एबीसी में होल्ड कर रहा है, अब बच्चों सर अब एक्स वाई जेड लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और एबीसी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, अब रिलेशन बन जाएगा। तो याद रखना बेटा एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का कि अगर इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है कंपनी में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर, तो वहां पर एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी ये नहीं बस करना कि मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर दिख गया तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बन गया, नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेटा दोनों तरफ कौन हो, कंपनीज हो बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन हो,
अभी हम कंपनी के अलावा भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में कंपनी को यहाँ पर कंपनी नहीं माना गया, बॉडी कॉर्पोरेट माना गया, बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाती है उसके बाद। तो अभी आऊंगा उस पर, बस अब इतना याद रखना कि होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिलेशंस है वो रिलेशन किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन कंपनी होना चाहिए, बिटवीन कंपनी एंड इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। सो इन द गिवन केस मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर इन एबीसी लिमिटेड। सो देर क्या एबीसी लिमिटेड और एक्स में कोई होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ रहा है? नो, यहाँ पर कोई होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं आ रहा, और होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट सिर्फ तभी होगा जब दोनों तरफ क्या हो बेटा, कंपनी हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो। चलिए ये बात समझ आ गई। अब बच्चों आते हैं रीडिंग पोर्शन पे, दोबारा से नोट्स पर जो मैं आपको पढ़ा रहा था। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन तो आपको बिल्कुल समझ आ गई थी, होल्डिंग कंपनी वो होती जिसकी दूसरी कंपनी सब्सिडरी हो, और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें होल्डिंग कंपनी दो में से एक कंडीशन फुलफिल कर दे। दो में से एक कंडीशन मतलब पहली कंडीशन द कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पढ़ चुके हैं बच्चों, डन। दूसरा और एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी, डन, पढ़ चुके हैं, बहुत लंबी इसके ऊपर हमने डिस्कशन करी है। अगर आइदर एट इट्स ओन है तो एग्जाम्पल में क्या होगा, वन और मोर सब्सिडरी है, एक सब्सिडरी का एग्जाम्पल भी लिया और फिर लास्ट में हमने एक से ज्यादा सब्सिडरी का एग्जाम्पल भी लिया। अब बेटा प्रोवाइजो आ रहा है बेटा, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी प्रोवाइजो बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई। प्रोवाइजो में बोला गया, ध्यान से सुनिए, कि अगर सब्सिडरीज के नीचे लेयर बन रही है, एक होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट करा दूसरी कंपनी में, सब्सिडरी बना लिया, और उस सब्सिडरी कंपनी ने आगे किसी फर्दर कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको सब्सिडरीज बना लिया, तो बेटा ये तो लेयर बन रही है, तो ये लेयर मैक्सिमम कितनी अलाउड है, मैक्सिमम लेयर जो अलाउड है नीचे देखिए बेटा इसके रूल्स है, कंपनीज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर रूल्स 2017। तो पहले तो लॉ मेकर में कुछ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था कि मैक्सिमम लेयर कितनी होगी, करा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बट लेयर प्रिस्क्राइब्ड नहीं थी, बट 2017 में कंपनी रिस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ लेयर रूल्स 2017 आए और बोला ओन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, जिस दिन ये रूल आए हैं, नो कंपनी, कोई भी कंपनी शैल हैव मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, एक कंपनी मैक्सिमम दो लेयर ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा नहीं रख सकती। मैक्सिमम लेयर कितनी अलाउड है, टू लेयर्स अलाउड है। चलो ध्यान सब सुनिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है बेटा एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ध्यान से समझिएगा बेटा, इस एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या करा, पीक्यूआर लिमिटेड में होल्ड करा मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर। एबीसी लिमिटेड कंपनी ने मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर किसमें खरीदा, पीक्यूआर लिमिटेड में। तो एबीसी लिमिटेड कौन सी कंपनी होगी, होल्डिंग कंपनी, और पीक्यूआर लिमिटेड कौन होगी, सब्सिडरी कंपनी। अब पीक्यूआर लिमिटेड क्या कर रही है, आगे फर्दर एक्स वाई जेड लिमिटेड में मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर खरीद रही है। हाँ जी, PQR लिमिटेड XYZ लिमिटेड में कितना परसेंट होल्ड कर रही है, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो मतलब अब कुल मिलाकर PQR लिमिटेड और XYZ लिमिटेड में भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ रहा है, यहां पर सब्सिडरी कौन हो रही है, XYZ, और होल्डिंग कौन हो रहा है, PQR। लॉ मेकर कहता है जो XYZ है ना, ये भी सब्सिडरी मानी जाएगी ABC लिमिटेड की। देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी पीछे थोड़ी देर पहले, जो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट होती है वो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो होल्डिंग की है ही, और जो होल्डिंग कंपनी के आगे सब्सिडरी इन्वेस्ट करती है वो भी किसकी इन्वेस्टमेंट मानी जा रही है, सब्सिडरी की। अच्छा जो ऊपर एग्जाम्पल पढ़े थे हमने उसमें मैंने क्या लिया था कि कुछ पोर्शन होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रही है एक्स वाई जेड लिमिटेड में, कुछ पोर्शन पीक्यूआर लिमिटेड उसकी सब्सिडरी होल्ड कर रही है। ये रहा बेटा एग्जाम्पल, कुछ पोर्शन एक्स वाई जेड में कौन डायरेक्ट होल्ड कर रहा है, एबीसी लिमिटेड एज होल्डिंग, और कुछ पोर्शन कौन होल्ड कर रहा है, पीक्यूआर एज सब्सिडरी। अब बेटा एग्जांपल में मैंने क्या चेंज करा कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसने पीक्यूआर लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बनाया मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर करके। अब उस सब्सिडरी कंपनी ने आगे क्या कर रखा है, एक्स वाई जेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर खरीद रखी है,
लॉ मेकर कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड इज ऑल्सो ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी। तो मतलब अगर होल्डिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी कंपनी पीक्वायर लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो लॉ मेकर कहता है सब्सिडरी कंपनी की कोई सब्सिडरी होती है तो उसे भी सब्सिडरी माना जाएगा होल्डिंग कंपनी की, मतलब सब्सिडरी कंपनी की ये बेटा सब्सिडरी है। अब इसकी जो आगे क्या होगी, सब्सिडरी होगी एक्स वाई जेड लिमिटेड। सो सब्सिडरी कंपनीज सब्सिडरी इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। कंफ्यूज तो नहीं हुए? सब्सिडरी कंपनी की जो आगे सब्सिडरी कंपनी है वो भी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी, किसकी, होल्डिंग कंपनी की। अब बेटा ये रूल्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं ये लेयर वन हो गई और ये कौन सी लेयर हो गई, टू लेयर हो गई है। अब अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड आओगे लिमिटेड क्या कर रही है, एक एमएनपी लिमिटेड में मोर देन 50%, एक्स वाई जेड लिमिटेड मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है। अब कौन होल्ड कर रहा है, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड एमएनपी लिमिटेड में। तो सर अब एक्स वाई जेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गई किसकी, एक्स वाई जेड की, मतलब एमएनपी, सॉरी एमएनपी कंपनी क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई किसकी, एमएनपी की। हाँ देखा जाए तो मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्स वाई जेड ने एमएनपी में होल्ड कर लिया, दोनों में कौन सा रिलेशन आ रहा है, सब्सिडरी। पर सर आप तो ये पढ़ाते हो सब्सिडरी की सब्सिडरी सब्सिडरी मानी जाती है होल्डिंग कंपनी की, तो इस बेस के अकॉर्डिंगली तो एमएनपी लिमिटेड अब फिर किसकी सब्सिडरी मानेगी, एबीसी लिमिटेड, बट नहीं मानी जाएगी क्योंकि बेटा लॉ मेकर बोलता है मैक्सिमम जो लेयर अलाउड है वो कितनी लेयर अलाउड है, दो ही लेयर अलाउड है। तो एबीसी की पहली लेयर कौन सी होगी, पीक्यूआर, सेकेंड लेयर कौन सी होगी, एक्स वाई जेड लिमिटेड, एंड एमएनपी लिमिटेड इज नॉट ए सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। सो सब्सिडरी की सब्सिडरी, एग्जाम्पल बेटा ध्यान से सुनना इंटरेस्टिंग है, सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी है होल्डिंग की बट सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी नहीं है होल्डिंग की, समझ आ रहा है ये वाली बात। सब्सिडरी की जो सब्सिडरी है वो सब्सिडरी मानी जाएगी होल्डिंग कंपनी की, बट सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी होल्डिंग कंपनी। बट ये देखो बेटा एमएनपी लिमिटेड अगर देखा जाए, आप सोचो पीक्यूआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीक्यूआर की पहली लेयर कौन सी हो गई, एक्स वाई जेड हो गई, और सेकंड लेयर कौन सी हो गई, एमएनपी हो गई। तो एमएनपी किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी इस हिसाब से, एक्स वाई जेड की और पीक्यूआर की, और एक्स वाई जेड किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी, पीक्यूआर की और एबीसी की, और पीक्यूआर किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी, एबीसी की। समझ आया बेटा पूरा खेल, एबीसी की दो लेयर कौन सी होगी, एक पीक्यूआर दूसरा एक्स वाई जेड, पीक्यूआर की दो लेयर कौन सी होगी, एक्स वाई जेड और एमएनपी। और अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं बेटा तो ऐसे दो दो लेयर आप निकालते रहोगे, मैक्सिमम कितनी लेयर अलाउड है, दो ही लेयर अलाउड है अगर सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी है बेटा, सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी है। तो याद क्या करना है, सब्सिडरी की सब्सिडरी सब्सिडरी मानी जाती है होल्डिंग कंपनी की, बट सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी होल्डिंग कंपनी की। आगे बात समझे, ये बोलना चाह रहा है बेटा वो कि एक कंपनी की मैक्सिमम जो लेयर अलाउड है वो कितनी अलाउड है। सो बेटा ये प्रोविजो में आपको समझ आ गया होगा, प्रोविजो में आपको समझ आ गया होगा, जो यहाँ लिखा है प्रोविजो में, सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के लिए बोला एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बियॉन्ड द लिमिट और बियॉन्ड द नंबर, और कितने नंबर प्रिस्क्राइब्ड है, टू नंबर प्रिस्क्राइब्ड है, मैक्सिमम टू लेयर अलाउड है, टू लेयर ऑफ सब्सिडरी अलाउड है, इससे ऊपर अलाउड है ही नहीं। बताइए बात समझ आ गई, कोई डाउट यहां तक पक्का। अच्छा एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये दो लेयर तक हमने पढ़ा बट अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जो बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है एग्जाम में, अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, एबीसी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर खरीद ली, तो एक्स वाई जेड क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई किसकी, एबीसी लिमिटेड की। ऐसे ही एबीसी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, एबीसी ने पीक्यूआर लिमिटेड में भी मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर के शेयर खरीद रखे हैं, सो पीक्यूआर लिमिटेड भी क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी बन गई एबीसी लिमिटेड की।
और ऐसे ही बेटा क्या हो रहा है, ऐसे ही क्या हो रहा है, एबीसी ने, एबीसी ने एमएनपी लिमिटेड में होल्ड कर दिया मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, तो एमएनपी भी क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई। और ऐसे ही एबीसी लिमिटेड ने क्या कर दिया, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या करा, एक सेकेंड, एक और कंपनी है ओएमपी लिमिटेड या ओ माई गॉड लिमिटेड, उसमें मोर देन 50% होल्ड कर लिया, तो ये भी क्या बन गई, सब्सिडरी। बच्चों ये एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं, आप नोट करो इसमें कोई लेयर बन रही है। अच्छा ये एबीसी लिमिटेड की चार सब्सिडरी हो गई, एक एक्स वाई जेड, एक पी क्यू आर, एक एम एन पी, एक ओ माई गॉड, चारों सब्सिडरी है। बच्चों आपस में एक्स वाई जेड का पी क्यू आर के साथ, पी क्यू आर का एम एन पी के साथ, एम एन पी का ओ माई गॉड के साथ कोई रिलेशन है, नहीं है। हम तो क्या पढ़ते हैं, जब सब्सिडरी के आगे सब्सिडरी है और उसके आगे सब्सिडरी है, तब लेयर लॉ मेकर ने कितनी बताई, दो बताई। बट अगर आप इंडिविजुअली, अगर आप इंडिविजुअली किसी कंपनी को सब्सिडरी बना रहे हो, फिर आप इंडिविजुअली किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बना रहे हो, फिर आप इंडिविजुअली तीसरी कंपनी को सब्सिडरी बना रहे हो, उसमें बच्चों कोई भी नहीं दिक्कत। तो एबीसी लिमिटेड ने चार अलग अलग कंपनी जिसके आपस में कोई रिलेशन नहीं है होल्डिंग सब्सिडरी का, एबीसी लिमिटेड ने चार अलग अलग कंपनी में जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उन चारों कंपनी में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर खरीद रखी है। तो बेटा ये चारों की चारों कंपनी एबीसी लिमिटेड की क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, तो बेटा वो ये लेयर वाला रूल इस जगह पर अप्लाई होगा, आंसर इज नोट। यहां पर बेटा लेयर्स जो था, लेयर्स रूल्स नॉट एप्लीकेबल, क्यों, क्योंकि यहां पर बेटा क्या हो रहा है, अलग अलग कंपनी को एबीसी लिमिटेड खुद इंडिविजुअली सब्सिडरी बना रही है, वो अलाउड है, वो आप कितनी मर्जी बनाओ। तो एबीसी लिमिटेड चाहे तो 50 कंपनी को ऐसे सब्सिडरी बना ले, बट यहां पर मना किस चीज को करा गया, मना लेयर को करा गया, जहां पर एक कंपनी के आगे सब्सिडरी है फिर उसके आगे सब्सिडरी, ये लेयर कितनी अलाउड है, ये मैक्सिमम दो लेयर अलाउड है। ये बात समझ आ गई बच्चों, ये बच्चों में डाउट रहता है। तो एक कंपनी की कितनी सब्सिडरी हो सकती है, अगर मैं आपसे बोलूं एक कंपनी की कितनी सब्सिडरी हो सकती है, सर कितनी भी हो सकती है अनलिमिटेड, और अगर मैं बोलूं एक कंपनी की कितनी लेयर ऑफ सब्सिडरीज हो सकती है, सर टू लेयर ऑफ सब्सिडरीज हो सकती है। समझ आया, कैसे याद रखना है, अगर क्वेश्चन आए, देखो लिटरल तो यही है बेटा, अगर आप समझो इस चीजों को, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर एक कंपनी में कितनी लेयर ऑफ सब्सिडरीज हो सकती है, सर टू लेयर ऑफ सब्सिडरीज हो सकती है, और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि एक कंपनी में कितनी सब्सिडरीज हो सकती है, सर नो लिमिट ऑन सब्सिडरी, कितनी भी हो सकती है, एबीसी लिमिटेड चाहे तो कितनी भी कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना सकता है। समझ आ गई बात बच्चों, पक्का। आगे देखो एक्सप्लेनेशन पोर्शन देखिए बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज, ये मैंने आपको बता दिया सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी क्या मानी जाती है, सब्सिडरी कंपनी की जो आगे सब्सिडरी होती है सब्सिडरी मानी जाती है। यहां पर वही लिखा है, ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी क्या मानी जाएगी, डीम्ड, डीम्ड मतलब मान ली जाएगी, ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज वन और सब क्लॉज टू ऑफ अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। वही बेटा, सब्सिडरी कंपनी की आगे कोई सब्सिडरी होगी तो उसको डीम्ड कर लिया जाएगा एज सब्सिडरी कंपनी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं, सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि कॉम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होता है, सर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तब आता है, कॉम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कंट्रोल हम तब करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के या तो सारे के सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर पा रही है, या फिर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर पा रही है, या फिर सारे के सारे डायरेक्टर को रिमूव कर पा रही है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को रिमूव कर पा रही है। थर्ड एक्सप्लेनेशन बहुत भयंकर बेटा, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, ओए होए बहुत बड़ी बात बोल गई, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा यहां पर जहां जहां आपने कंपनी 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 पढ़ा, ये कंपनी नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, कह रहा है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। याद करो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 क्लॉज 11 पढ़ी थी, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आई थिंक सेकंड क्लास में हमने पढ़ी थी। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कंपनी, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। और कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में पढ़ी थी, और कंपनी की डेफिनेशन में सिर्फ कौन सी कंपनी आती है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, पुराने वाले कंपनीज एक्ट में बनी है, बट बॉडी कॉर्पोरेट में ऑल टाइप ऑफ कंपनीज आती है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो यहां पर बोल रहे कंपनी का मतलब कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, देयरफॉर
होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन इंडिया से बाहर भी हो सकता है। हो सकता है होल्डिंग कंपनी इंडिया की है, जिस कंपनी में उसने कॉम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रखा है वो फॉरेन कंपनी है, तो वो भी सब्सिडरी मानी जाएगी। हो सकता है फॉरेन कंपनी होल्डिंग है, इंडियन कंपनी सब्सिडरी है। तो बेटा होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन किसके बीच में हो सकता है? बिटवीन इंडियन कंपनी एंड बिटवीन फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ एक्सप्लेनेशन में इतनी बात बोलने से कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, इसको हटा दिया जाए, लॉ मेकर द्वारा अमेंड कर दिया जाए और बोला जाए कंपनी मीन्स ओनली कंपनी, तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन सिर्फ कहाँ रहेगा? इंडियन कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज है रजिस्टर्ड है उनके बीच में रहेगा। और ये कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वो कंपनी भी है, जो इंडिया में कंपनी बनती है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो इंडिया से बाहर कंपनी बनती है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन इसकी वजह से कहाँ फैल रहा है? इंडिया और फॉरेन कंपनी में भी हो सकता है। और लेयर इन रिलेशन टू इन होल्डिंग कंपनी मीन्स इट सब्सिडरी और सब्सिडरी। लेयर का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी और सब्सिडरीज, ये तो हमने पढ़ा पढ़ लिया। लेयर का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी और सब्सिडरीज। रूल्स मैंने आपको बता दी बेटा कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने लेयर रख सकती है? दो। एक और बेटा आप नीचे पॉइंट दिया, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सब रूल शैल नॉट अफेक्ट ए कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विद सब्सिडरी बियॉन्ड टू लेयर्स एज पर द लॉज ऑफ सच कंट्री। अब क्या बोल रहा है यार, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी को, किसी फॉरेन कंपनी की दो से ज्यादा लेयर बना रहे हैं, कह रहा कोई दिक्कत नहीं हमें, कह रहा प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ सब रूल शैल नॉट अफेक्ट, जो ऊपर आपने पढ़ा था ना कि मैक्सिमम दो लेयर होंगी वो अफेक्ट नहीं करेंगी। कब? जब आप क्या बना रहे हो, जब आप लेयर जो बना रहे हो बेटा वो लेयर इंडियन कंपनीज के बीच में नहीं बन रही। आप होल्डिंग कंपनी इंडिया की है, सब्सिडरी कंपनी यूएसए की है, फिर उसके नीचे एक लेयर है, तो कह रहा है वो जो लेयर है ना वहां पर आप कितनी भी लेयर बना सकते हो दो से ज्यादा, प्रोवाइडेड दैट लॉ ऑफ सच कंट्री परमिट्स। मतलब लॉ ऑफ सच कंट्री मतलब यूएसए का लॉ परमिट करता हो ऐसी लेयर, दो से ज्यादा तो अलाउड है। इंडियन कंपनीज एक्ट तो बोल रखा है दो दो लेयर अलाउड है। इंडिया में अगर कर रहे हो, अगर अगर वो लेयर्स आपकी कहां पर है, इंडिया से बाहर है, तो कह रहा है दो से ज्यादा लेयर्स भी हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट वो लेयर्स कौन ऑथराइज करता हो? लॉ ऑफ सच कंट्री ऑथराइज करता हो। कोई डाउट? प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ लेयर अंडर दीज रूल वन लेयर विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर होली ओन्ड सब्सिडरी और सब्सिडरी शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? जहां पर मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर करते हैं। एक होता है होली ओन्ड सब्सिडरी, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 100% शेयर होल्ड करती है। तो बेटा अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड पीकेआर लिमिटेड में 100% शेयर होल्ड करती है, सो पीकेआर लिमिटेड इज नॉट ए सब्सिडरी, पीकेआर लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। और इस होली ओन्ड सब्सिडरी को, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को उस लेयर में काउंट नहीं करते। वो टू लेयर में सिर्फ क्या आती है? सब्सिडरी आती है, होली ओन्ड सब्सिडरी आती है। टू लेयर में सिर्फ सब्सिडरी आती है, होली ओन्ड सब्सिडरी में नहीं आती। और अगर बीच में होली ओन्ड सब्सिडरी आ रही है तो उस लेयर में से हम शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट, उस होली ओन्ड सब्सिडरी को काउंट ही नहीं करेंगे। ये बात समझ आ गई बच्चों? पक्का दो बातें, एक तो क्या रखनी है आपको, मैक्सिमम लेयर कितनी अलाउड है? टू अलाउड है। मैक्सिमम लेयर्स कितनी अलाउड है? टू अलाउड है। अच्छा, इंडिया से बाहर अगर लेयर बना रहे हो तो जितने भी बना सकते हो, प्रोवाइडेड दैट वहां की कंट्री का लॉ ऑथराइज करता हो। तीसरी बात, अगर उस लेयर में होली ओन्ड सब्सिडरी आ रही है उसको काउंट नहीं करना। ये और पढ़ लीजिए बेटा, उसके बाद रूल भी खत्म हो जाएंगे। प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज। मतलब जो रूल आपने पढ़े हैं ये कंपनीज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स 2017, ये रूल लगते ही नहीं है बैंकिंग कंपनी के ऊपर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। मतलब इनकी लेयर, फिर इनकी लेयर के ऊपर कोई लिमिट नहीं, इनकी लेयर ज्यादा हो सकती है, बिकॉज ये रूल जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स, जो रूल क्या बताते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि मैक्सिमम दो लेयर अलाउड है। ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है किसके ऊपर? एक तो इंडिया में जो बैंकिंग कंपनी है वो, दूसरा जो नॉन बैंकिंग बट फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है, तीसरा वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, और फोर्थ जो गवर्नमेंट कंपनी है, इनके ऊपर ये रूल्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। दैट मीन्स इनकी नंबर ऑफ लेयर्स कितनी हो सकती है? मे बी मोर देन टू। सो दिस इज ऑल अबाउट होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बेटा। ये सब रूल थ्री, सब रूल फोर बेटा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा रहा। तो ये हमारा बेटा सब रूल वन, सब रूल टू रूल्स खत्म हो गए, कंपनीज रिस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ लेयर्स रूल 2017। जो आपने नोट नहीं करा बच्चों वो ये वाला नोट नहीं करा, एक तो मैक्सिमम टू लेयर्स आपने नोट नहीं करी, और अगर लेयर्स नहीं हो तो आप कितनी भी सब्सिडरी बना सकते हो। ये दोनों आप चीजें नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, बाकी आप सब नोट कर चुके हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसे।
हाँ जी बच्चों, डन लिख लिया आप सब लोगों ने। तो ये हमारी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। और बेटा ये डेफिनेशन ने करीबन करीबन हमारे 1.5 घंटा हमारा यूज कंज्यूम किया डेफिनेशन ने, सिर्फ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की। तो इसलिए चैप्टर शुरू होने से मैंने पहले ही आपको बताया था कि सबसे बड़ी डेफिनेशन और सबसे इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। सारे कॉन्सेप्ट बेटा, सारे इफ एंड बट आपके हो चुके हैं, फिर भी कोई डाउट आता है पढ़ने के बाद तो आप बिल्कुल पूछिए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन है। और एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन लॉजिक है, मैं बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एसोसिएट कंपनी में होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में भी डिस्कस करा गया। तो इसलिए बेटा पढ़ाया पहले क्या जाता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, देन एसोसिएट। लॉजिक है बेटा, बिकॉज इसमें सब्सिडरी कंपनी के बारे में बताया जाएगा। इसमें भी होल्डिंग कंपनी के बारे में कहाँ लिखा था, सेक्शन 2 क्लॉज 46। और सब्सिडरी कंपनी के बारे में कहाँ था, सेक्शन 2 क्लॉज 87। और एसोसिएट कंपनी के बारे में कहाँ लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 6। अब हम पढ़ने वाले एसोसिएट कंपनी क्या होती है। सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब एक कंपनी में जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो नीचे बेटा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जब क्या होता है, एक कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी, बट जो क्या नहीं होती, सब्सिडरी कंपनी नहीं होती ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। और मतलब जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो क्या नहीं होना चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं होना चाहिए उनमें। एंड इंक्लूड्स ए जॉइंट वेंचर कंपनी। और क्या बोला गया, जॉइंट वेंचर कंपनी जो होती है। तो मतलब दो चीजें बोल दी कि एसोसिएट कंपनी क्या होता है, तो कह रहा है एसोसिएट कंपनी, ये बेटा डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, बस 3 लाइनों में सब कुछ बोल रखा है इसमें। एसोसिएट का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी, एक ऐसी कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, जिसमें अदर कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी, जो क्या नहीं है, सब्सिडरी नहीं है ऑफ द कंपनी हैविंग द इन्फ्लुएंस। मतलब जिसपे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो सब्सिडरी नहीं है, ये कहना चाह रहा है, जिसपे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो सब्सिडरी नहीं है। एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, क्या है, जॉइंट वेंचर हो सकती है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है फिर आपको समझ आएगा। ये मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। ये तो बेटा लिखा था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने, इसको अमेंड करके एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को अमेंड कर दिया। ये जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो लिखा है ना बेटा ये 2 लाइनों में, इसको अमेंड करके 8% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अमेंड होकर क्या है,
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। पहली बात तो 20% ऑफ जो शेयर कैपिटल था, यहां पर अगेन शेयर कैपिटल की जगह क्या कर दिया, टोटल वोटिंग पावर कर दिया। और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब पहले तो क्या बोला, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट, जहां पर कंट्रोल किधर है, एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर का 20% एटलीस्ट मिनिमम, या फिर कंट्रोल किया जा रहा है, पार्टिसिपेशन किया जा रहा है बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। और एक बेटा वर्ड बोला था बीच में, ज्वाइंट वेंचर, इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दी। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर मीन्स ए ज्वाइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव द राइट टू नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट का मतलब दो पार्टीज वेयर बाय द पार्टी हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट, जहां पर पार्टीज का क्या होता है, ज्वाइंट कंट्रोल होता है अरेंजमेंट के ऊपर, और उस अरे जो टोटल जो दोनों एंटिटी है उसकी जो नेट एसेट है उस अरेंजमेंट में, उसके ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल, मतलब दोनों एंटिटीज की जो भी एसेट है उसके ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल होता है। अब इसका मतलब समझिए बेटा एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन का। एसोसिएट कंपनी हम कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6, और क्या बोला है? इसमें ध्यान से सुनिए बेटा, वही एक एग्जांपल लेता हूं एबीसी लिमिटेड कंपनी का। ये बेटा एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इस एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या कर रखा, दूसरी जो कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, इस पीक्यूआर लिमिटेड में अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी ने 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर अगर होल्ड किया है, दूसरा या फिर कंट्रोल्ड किया है और पार्टिसिपेट किया है, कंट्रोल किया है या पार्टिसिपेट किया है इन बिजनेस डिसीजन, बेटा इस एग्जांपल से खत्म हो जाएगा ये आपका एसोसिएट कंपनी, इसको ध्यान से समझिएगा, या तो कंट्रोल किया या पार्टिसिपेट किया इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, अंडर एन एग्रीमेंट। सुनो ध्यान से, उसने बोला कि अगर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, मैंने आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जांपल में दे दिया, सुनना ध्यान से, जब अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड कंपनी ने पीक्यूआर लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रखा है, अगर एबीसी लिमिटेड का पीक्यूआर लिमिटेड के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर इसको रिवर्स कैसे बोलेंगे, पीक्यूआर लिमिटेड के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसका, एबीसी लिमिटेड का, और ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है, अगर एबीसी पीक्यूआर लिमिटेड के 20% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर करके बैठा हुआ है, या फिर पीक्यूआर लिमिटेड के जो बिजनेस डिसीजन है उसको कंट्रोल्ड कर रहा है, या फिर जो बिजनेस डिसीजन है पीकर लिमिटेड के उसको अकेले कंट्रोल नहीं कर रहा बट किसी दूसरे के साथ मिलकर कंट्रोल कर रहा है और उसमें पार्टिसिपेशन है, मतलब पीकर लिमिटेड के बिजनेस डिसीजन जो एक एग्रीमेंट द्वारा, एक एग्रीमेंट हुआ बेटा, एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें पीकर लिमिटेड ने अपने बिजनेस डिसीजन लेने की पावर एबीसी को और दो तीन एंटिटी और है उनको दे रखी है, तो एबीसी लिमिटेड पीकर लिमिटेड के बिजनेस डिसीजन लेने को या तो कंट्रोल कर रही है या फिर पार्टिसिपेट कर रही है, और इसके पास कंट्रोल करने की पावर, इसके बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल करने की पावर और पार्टिसिपेट करने की पावर कहां से आई, थ्रू एन एग्रीमेंट आई, तो अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो माना जाएगा एबीसी लिमिटेड इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर पीक्यूआर लिमिटेड, या फिर इसका दूसरा एंगल ये बोल सकते हो कि पीक्यूआर लिमिटेड के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एबीसी लिमिटेड का, ठीक है जी, और जहां पर भी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है अनदर कंपनी का तो बेटा वो मानी जाती है एसोसिएट कंपनी, मतलब इस केस में बेटा पीक्यूआर लिमिटेड, इस केस में पीक्यूआर लिमिटेड कौन है, पीक्यूआर लिमिटेड इज एन एसोसिएट, पीक्यूआर लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ किसकी, ऑफ एबीसी लिमिटेड। अच्छा ध्यान से ये मत बोल देना कि एबीसी लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ एबीसी लिमिटेड, बिकॉज
एबीसी लिमिटेड इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर पीक्यूआर लिमिटेड, और जिसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है वो अदर कंपनी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी उसकी जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। और उसने एक बात और क्या बोली है, एक चीज और बोली बेटा लॉ मेकर ने, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी, ये पीक्यूआर लिमिटेड क्या नहीं होना चाहिए, नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब क्या है बेटा, बड़ा सिंपल है, विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी, इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए बेटा एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर में मोर देन 50% अगर टोटल वोटिंग पावर एक्वायर कर ले, ये भी तो सोच के देखो सर, अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड में कितना परसेंट होल्ड कर ले, मोर देन 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, तो भाई साहब अब तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन शुरू हो गया। तो इसलिए तो बेटा डेफिनेशन में लिखा था, मींस ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द हैविंग सच इन्फ्लुएंस, बट वो कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 20% या 20% से ज्यादा अगर होल्ड कर रहा है एबीसी लिमिटेड टोटल वोटिंग पावर पीक्यूआर लिमिटेड में, तो माना जाएगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। कब तक, 50% तक, क्योंकि मोर देन 50% जैसे ही एबीसी लिमिटेड होल्ड कर लेगा पीक्यूआर लिमिटेड में, तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन शुरू हो जाएगा। सो 20% या 20% से ज्यादा, बट अप टू कितना, 50% तक अगर एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड में होल्ड कर रहा है, दैट मींस एबीसी लिमिटेड इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर पीक्यूआर लिमिटेड। बट अगर ये 50% से ऊपर चला जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, तो फिर एसोसिएट रिलेशन खत्म हो जाएगा, और कौन सा रिलेशन शुरू हो जाएगा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन सेक्शन 2 क्लॉज 87 में कवर हो जाओगे आप। तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में कब तक हो, एसोसिएट कंपनी में तब तक रहोगे जब तक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में 20% या मिनिमम 20%, 20% से ज्यादा, बट अप टू मैक्सिमम कितना, 50% तक टोटल वोटिंग पावर एक्वायर कर रहे हो, तब तक तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में आप एसोसिएट कंपनी में कवर होगे। पर जैसे ही मोर देन 50% हो जाएगा बच्चों, तो फिर ये होल्डिंग सब्सिडरी में कवर हो जाओगे आप सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, फिर आप सेक्शन 2 क्लॉज 6 से बाहर हो जाओगे आप, ये वो कहना चाह रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट बेटा सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। अब एक बार दोबारा से पढ़िए, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, एसोसिएट कंपनी का मतलब जहां पर एक अदर कंपनी मींस ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जहां पर अदर कंपनी का क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी, जो क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए जॉइंट वेंचर, ये बस मुझे समझाना भी जॉइंट वेंचर क्या होता है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, या तो कंट्रोल हो 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, पहली चीज 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर तब माना जाएगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर बिजनेस, या फिर कंट्रोल और ऑफर पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, या फिर कंट्रोल कर रहा है या फिर पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, माना जाएगा एबीसी लिमिटेड का पीक्यूआर लिमिटेड के ऊपर क्या है, एबीसी लिमिटेड का पीक्यूआर लिमिटेड के ऊपर क्या बेटा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। बट उसने लास्ट में एक वर्ड बोला, इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, आप सबको पता है जॉइंट वेंचर बेटा क्या होता है, जॉइंट वेंचर आप सबको पता है क्या होता है, बताइए क्या होता है, जहां पर दो एंटिटी मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, दो एंटिटी ने मिलकर एक थर्ड एंटिटी बनाई, दो एंटिटी ने मिलकर थर्ड एंटिटी बनाई, जिसमें एक एंटिटी 90% होल्ड कर रही है, एक एंटिटी 10% होल्ड कर रही है। एग्जाम्पल देता हूं बेटा इसका भी, एबीसी लिमिटेड एंड पीक्यूआर लिमिटेड, इन दोनों ने क्या बनाई, एमएनपी लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ये दोनों एंटिटी क्या कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है, और क्या कर रही है, एमएनपी लिमिटेड, ये इक्विटी जॉइंट वेंचर इसको बोलते हैं, दो तरह के जॉइंट वेंचर होते हैं, इक्विटी जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। चलो ये छोड़ो, दो एंटिटी मिलकर थर्ड एंटिटी बना रही है, जिसमें एबीसी लिमिटेड एमएनपी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है 90%, और अगर इसमें होल्ड करा है 10%, या इसको मैं चेंज कर दूं, ये होल्ड कर रहा है 70%, ये होल्ड कर रहा है 30%, तो सर माना जाएगा एमएनपी लिमिटेड क्या है, एसोसिएट है, किसकी, पीक्यूआर की, बट एमएनपी एसोसिएट नहीं मानी जाएगी एबीसी की। क्यों,
एबीसी कितना होल्ड कर रहा है 70%, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन आ जाएगा? होल्डिंग सब्सिडरी का। एसोसिएट कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए? सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। बट यहां देखो बेटा मोर देन 20% आ रहा है, तो यहां पर एमएनपी लिमिटेड क्या होगी? एसोसिएट हो गई किसकी? पीक्यूआर की। बट यहां पर एमएनपी किसकी एसोसिएट नहीं है? एबीसी की नहीं है, बिकॉज यहां पर एबीसी की क्या मानी जाएगी? सब्सिडरी मानी जाएगी ये। तो बेटा ये हो गया इंक्लूड जॉइंट वेंचर, यहां पर लिखा था ये। समझ आ गया पक्का? दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएट कंपनी। बेटा जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए, फिर लास्ट थोड़ा सा रीडिंग पोर्शन हो रहा है, डेफिनेशन हमारी खत्म हो गई है। दोनों डेफिनेशन को मैं क्लब करके फिर इंटरप्रिटेट करूंगा, होल्डिंग सब्सिडरी को और एसोसिएट कंपनी को। आप ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं बेटा वो काम। इसको नोट डाउन करिए आप, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन को। हाँ जी बच्चों, डन लिख लिया। तो ये बेटा हमारा एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। लास्ट बेटा एक कनेक्टिविटी दिखाई है मैंने एसोसिएट कंपनी एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की। वेयर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डिंग इन अनदर कंपनी, एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बिटवीन कंपनीज आ रहा है। अगर मान लीजिए होल्डिंग 20% बट लेस देन 50%, या फिर सॉरी लेस देन नहीं बोलना चाहिए, ये अगर मैं बोल दूं अप टू 50%, 20% और मोर बट अप टू 50% अगर इन्वेस्टमेंट है एक कंपनी की दूसरी कंपनी में, तो कौन सा रिलेशन आता है बेटा? एसोसिएट कंपनी रिलेशन एग्जिस्ट। और यही अगर इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाए मोर देन 50%, तो कौन सा रिलेशन आता है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशन एग्जिस्ट। दोनों अलग अलग है बेटा। ये जो होल्डिंग एंड जो आपने एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, और आपने जो होल्डिंग एंड सब्सिडरी पढ़ा था वो सेक्शन 2 क्लॉज 46 और सेक्शन 2 क्लॉज 87 में पढ़ा था। सो दिस इज ऑल अबाउट होल्डिंग एंड सब्सिडरी एज वेल एज एसोसिएट कंपनी। आज के लिए बच्चों इतना बहुत है। लास्ट क्लास में हमने तीन कंपनीज पढ़ी थी, याद करिए। पहले हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा था, देन हमने पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा था, देन हमने वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ा था। तीन कंपनीज के बारे में पढ़ा था। आज हमने बहुत बड़ी कंपनी के बारे में पढ़ लिया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन कैसे आता है ये पढ़ लिया, जो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, और दूसरा एसोसिएट कंपनी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग जो अदर कंपनीज हैं इसके अलावा, बेटा सबसे बड़ी जो हमारी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर जो ज़्यादा डिस्कशन था वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी अदर जो कंपनीज है उस पर अब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों।
और बेटा फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, जो भी लॉकडाउन की गाइडलाइंस उसको फॉलो करिए, स्टे होम सेफ होम, स्टे होम स्टे सेफ। और अपना जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, हमारी फिफ्थ क्लास है आज कंपनीज एक्ट की, चार क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उन चार क्लास के बाद ही कॉन्टिन्यूशन में ही एक क्लास देखिएगा, और नेक्स्ट क्लास इसके बाद मैं जल्दी ही अपडेट करता हूँ। और जब तक हम नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलते बेटा, इन पांचों क्लासेस का निचोड़ निकालिए, जो भी डाउट है वो डाउट पूछिए। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।